हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी। आशा करुच्छे आपण मैंने भल थे। देखो आम जो रिविजन सीरीज चली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिविजन सीरीज टू एटली 25 क्वेश्चन देखा आपड़ आंसर देते 25 रू आपत मार्क रोच कमेंट बक्स में जनइबे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे आउ शेयर भी करेंगे, बुझिपाले। आदि मॉक टेस्ट जॉइन करवा चाहते ये नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे या कंटाक्ट करें। 99 रोच जेकि 10 फुल लेंथ टेस्ट रोच ईच सेट्रे आपको मिले 100 क्वेश्चन है। तो चलत डेरी न करें स्टार्ट करवा कौन कौन क्वेश्चन आज अच्छे। देख प्रथम क्वेश्चन पढ़ की यार आंसर निजे करने को ट्राए कर। हु आर द फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो किए फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट रे आमको पचार किए निहाती जानी थी सी हूँ कौन ना मैंने वुमेन चीफ मिनिस्टर है जेकि जन बेंगली इंडियन आउ फ्रीडम फाइटर आउ जन पॉलिटिशियन सी उत्तर प्रदेश रा चीफ मिनिस्टर थिले फर्स्ट टाइम पाई। तो 2 अक्टूबर 1963 रु टू 13 मार्च 1967 जाए सीए थिले फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडिया सी हूँ किए ना सुचिता किरपलानी है। सुचिता किरपलानी हो करेक्ट आंसर। एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु आर द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। कह कौन हम यार आंसर। किए हो समस्ते नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहती है। नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहती बुझिपाले जे कि उत्तर प्रदेश रे जोटा कि आपंकर फॉर्मर नेम तार जो थिला यूनाइटेड प्रोविंसेस 15 अगस्त 1947 रू नहीं कि 2 मार्च 1949 जाए सी थिले कौन कि वुमेन गवर्नर सी हूँ किए ना सरोजिनी नायडू है। तो सी जन कौन इंडियन आक्टिविस्ट आउ आपणकर पोएट भी इंडियन आक्टिविस्ट आउ पोएट भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हु वर्क्ड एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। सी कह क्वेश्चन न किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे एक्ट करिबो जत बले प्रेसिडेंट बा वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नथिबे सी होउचंदी किए ना सी होउचंदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एदि कोन की तांकर एक्ट करिबे बुझि पाइला। एबि जबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थिले को जी कौन करते ना फास्ट चीफ जस्टिस इंडिया थिले 26 जनवरी रु नहीं कि 1950 26 जनवरी रु नहीं कि 6 नवंबर 1951 पर्यंत सी हूँ किए आपणकर एच जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला व्हेन ए स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइन हु नॉर्मली एक्सरसाइज हिज फंक्शन टिल ए न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जेतेबेले नुआ जने गवर्नर जेतेबेले स्टेट रा गवर्नर कर डेथ हो जाए किंबा सी रिजाइन दे देले तो तांकर फंक्शन जेपर्यंत कोन की गवर्नर अपॉइंटेड न होइचंदी तांकर फंक्शन किए करिवे ते स्टेट रा किए करिवे तांग फंक्शन समस्त आमे जानथिन तांग फंक्शन किए करिवे ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तांकर फंक्शन करिवे। एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जे गोटे स्टेट चीफ मिनिस्टर हाँपाई केज दरकार केज दरकार जानते 25 वर्ष दरकार गोटे स्टेट चीफ मिनिस्टर हाँपाई मिनिमम एज। नेक्स्ट देख कला
ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଦେଖ ତ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଦରକାର ସେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି, କେତେ ଦରକାର କୁହ। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେବା ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେମିତି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। କହିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡିସିଆରି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, କିଏ ହେଡ୍ ଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜୁଡିସିଆରିର, ଯେଉଁ ହେଡ୍ କିଏ ଥାଏ, ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଥାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ୍ ଥାନ୍ତି। ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଦ, କହିଲା ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଦ। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜେସ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜଡ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କୁହ କେତେଟା ଟାଇପ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଜାଣିଥିବେ ତିନିଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। କ୍ଲିୟର୍? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁହ। ଦେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଯେଉଁ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆର, କେବେ ନା 22 ଜୁଲାଇରେ 1947। କହିଲା କେବେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, କେବେ, ନା 1982 କେରଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। କହିଲା କୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ବନ୍ଦ ଆଜ୍ ଇଲିଗାଲ, କୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ କୁହ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଲୋକସଭାର ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ, ହେଲା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର 4 ଜୁନ୍ 2009 ନେଇକି 4 ଜୁନ୍ 2014 ଯାଏଁ ଥିଲେ, ହେଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ନା ମୀରା କୁମାର। କିଏ ଥିଲେ ଲୋକସଭାର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର, ଯିଏକି 1952 ନେଇକି 1956 ଯାଏଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଜି ଭି ମାଭଲଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ଦ ସ୍ପିକର କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟୁ ସ୍ଟପ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଆନଦର ମେମ୍ବର ସ୍ପିକ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆସ୍। ତାହେଲେ ସ୍ପିକର ଗୋଟେ ହାଉସ୍ରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ହଉ କି ରାଜ୍ୟସଭା ହଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ କି ସିଏ କୁହେ ଯେ
तुम एवं चुप रो जो अन्य जन कह तो से कौन होता है ना यील्डिंग द फ्लोर से स्टॉर्म को आम कौन कहते हैं यील्डिंग द फ्लोर कहते नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमको देला जे सबुठ इंडिया ओल्डेस्ट हाईकोर्ट किए जी एस्टाब्लीश होता फर्स्ट जुलाई ना 1862 रे तो सी किए ना कलकाता हाईकोर्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पंजाब डिवाइडेड होता दीटा स्टेट रे गोटे हूँ पंजाब गोटे हरियाणा कौ वर्ष जानती है फर्स्ट नवेम्बर 1966 रे डिवाइड करा जाय थिला पंजाब को एबे जबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला हुज इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी को के सुजी किया अपन करा ना बंगाली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड हैजर्डस इंडस्ट्री को आर्टिकल को से आर्टिकल नंबर 24 देखो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 इयर्स एज वाज मेड एज अ फंडामेंटल राइट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कौ अमेंडमेंट द्वारा जो आपंकर फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन जो 6 to 14 इयर्स रहुची आड करा दिला कौ अमेंडमेंट द्वारा अमेंडमेंट नंबर 86th अमेंडमेंट देखो व्हाट इज द मिनिमम स्टे एसेंशियल बिफोर ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप कहला सपोज इंडिया गोटे लोक आसिक रहीगला केते वर्ष रहिले से इंडियन सिटीजनशिप पे अप्लाई करि परिबो सुजी केते वर्ष आपन करा ना 6 वर्ष सॉरी मुको 6 वर्ष 7 वर्ष किए फर्स्ट आइडिया देते इंडिया गोटे कॉन्स्टिट्यूशन हवा दरकार सी हूँ किए एमएन रॉय जहाँ को आम कहती कौन मनोवेन्द्र नाथ रॉय जो कि जन इंडिया रिवल्यूशनरी थे पॉलिटिकल थियोरीज थे आउ जन फिलोसोफर थे आप जानते जो मेक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी से कौन कि फाउंडर थे आउ इंडिया जो सीपीआई अच्छी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से भी थे यही आइडिया से केबे देते इंडिया जन कॉन्स्टिट्यूशन हवा दरकार 1934 है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन तो 25 रु केत मार्क रहा तो आई होप 25 रु 25 आप रही थी सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।